वेलकम बैक टू आवर न्यू सीरीज क्रिमिनल्स। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा, मैं हूँ तश्मिया। बारी बारी गाइस, बारी बारी हो गया। तो तश्मिया बोलो। मैं हूँ तश्मिया। मैं हूँ इकरा। फ्रेंड्स, इनको आपने हमारे वीडियोस में नहीं देखा होगा, तो आप मेरा तो देखा है, इनको नहीं देखा है, तो मेरी तरफ ही इशारा कर। हाँ, तो आपको बता दूं कि हमारा ट्विन टेलीपैथी वाला चैलेंज था, उसमें जो हमारी लीड थी, जो हमें मतलब करवा रही थी, वो इकरा है और यही है वो इकरा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी मक्का आए हुए हैं एंड हमें रोड ट्रिप करके जद्दा जाना है। तो जब ये बात मैंने अपनी फ्रेंड को बताया तो उसने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो सुन के आप सबकी फटके 64 हो जाएगी। मतलब अगर रात में सुन रहे हो गाइस तो मत सुनना, आई रिक्वेस्ट यू, क्योंकि रात भर नींद नहीं आने वाली है, क्योंकि कोई ऐसे देखने वाला है। तो बेसिकली उसका नाम मैं रिवील नहीं कर सकती, बट कुछ कॉमन नेम रख लेते ना, लाइक लेट हर नेम बी अनाया। हाँ, नाइस नेम अनाया, अपनी बेटी का रखना। तोबा। तो ना स्टार्ट करते हैं। तो उसने मुझे ऐसा बताया था कि वो जाने तो सुबह में वाली थी, बट फॉर सम रीजंस उसे रात में घर से निकलना पड़ा, अराउंड 12 to 1 o'clock, और शायद उसके साथ ये होना था इसीलिए वो निकली। और यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। जैसे ही उन्होंने मक्का का बॉर्डर क्रॉस किया, एवरीथिंग वाज डार्क, कुछ भी नहीं दिख रहा था, देयर वाज Not a single street light present. कुछ देर ट्रैवल करने के बाद उनके सामने लाइक एक रोशनी आई। तो इतने अंधेरे में रोशनी का मतलब तो आना चाहिए वहाँ पे। तो वो टर्न करके देखे कि कौन है, तो उन्होंने देखा कि 120 किलोमीटर पर आर की स्पीड से उनके साथ कोई ट्रैवल कर रहा था, और विद इन अ सेकेंड्स वो गायब हो गया। एक सवाल था मेरा, रोशनी इतनी रात में वहाँ कर क्या रही थी? वो तो वही नहीं जानते। रोशनी प्लीज डोंट माइंड। तो इतनी रात को ना मतलब उन लोगों को लगा कि कोई गाड़ी की हेडलाइट होगी, पर देन आसपास देखा तो कोई गाड़ी नहीं दिखी थी, पर उन्होंने इतने रात को ये सब यू नो वह मान के छोड़ दिया। फिर सडनली क्या हुआ ना, उनके किसी मतलब कोई एक कार विंडो पर नॉक नॉक हुआ। नॉक 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 नॉक, कौन है, कौन है? साइलेंस। नॉक नॉक, कौन है? शांति। इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके मींस उसके भाई महाराजे साहब को वॉशरूम लगी। उसने कहा पापा जाना है इस वक्त बेटा। हाँ पापा। नहीं बेटा, इस वक्त नहीं, प्लीज इस माहौल में नहीं। चले गए तो पता नहीं, अगर नहीं ले गए तो यहाँ तो ज़रूर कुछ हो जाए। तो फिर इतने जैसे आपको सुनाया था कि स्टार्टिंग में हम लोग वो लोग जा रहे थे पहाड़ी इलाकों से, बीच में रोड था। आप लोगों को मालूम ही है कि मक्का पूरा रोड लाइक पहाड़ों में है। तो इतने सारे पहाड़ों के बीच में उनको एक बड़ा सा ट्री दिखा, ठीक है, लाइक एक ट्री था, और इतने सारे पहाड़ों में एक ट्री बहुत रेयर थिंग था, लेकिन इन महाशयों ने नोटिस नहीं किया था, और क्या किए वो अपना कार्यक्रम करने चले गए। 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट हो गए, लेकिन वो आया नहीं। सबने सोचा कर क्या रहा है, तो आवाज़ लगाई, बेटा आधा रात बिताएगा क्या? उसने कुछ बोला नहीं, बैठ जाओ गाड़ी में। वो बेटा नहीं आया, कोई आवाज़ नहीं, वो चुपचाप आया और वो गाड़ी में बैठ गया, और आइसक्रीम आ गई। गाइस गाइज वी आर स्ट्रगलिंग, चम्मच नहीं है जी, पर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं दुबई गर्ल, आइसक्रीम टेस्टी नहीं है। दुबई गर्ल कितनी हाइजीनिक हो ब्रो, मैं चम्मच नहीं है तो क्या उंगलियों से खाऊं? बन जा कमाल, जान ले गाइस, टेस्टी है। अच्छा यम यम, जवान की हो गई, बल्ले बल्ले, जवान की हो गए, बल्ले बल्ले, अब बल्ले बल्ले। भाई यम यम इन माय टम टम। गाइस अचानक से लाइट आ गई, बाप रे। हाँ देखिए थोड़ा कितना गंदे तरीके से खा रही है सब। मैंने सैंडविच लिया था, डैडी मार के बैठ गया, अनाया
मैंने उससे बहुत ट्राई किया कोशिश करने का, बात करने का, बट नहीं सुन रहा था. उसी बात उसी बात उसी बात लास्ट में नाया ने कहा, अबे सुन ना. वो कुछ नहीं बोला. फिर उसने बोला, मेरे को तंग मत करो. तो उसने बोला कि मुझे किसी से नहीं बात करनी है, मैं सबको मार दूंगा. वो अपनी बहन का मींस अनाया का ऐसे कर दिया. सी उसको ऐसे हटाया गया, हटाया गया, लाइक वो करके चिल्ला के बेहोश हो गया. आगे बको. तो क्या हुआ, उन्होंने अपनी गाड़ी तेज भगाई और उन्होंने एक चीज नोटिस की थी जो कि थी, मतलब जहाँ से उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू किया था, ट्रिप शुरू किया था, वो 2 घंटे का रास्ता होना चाहिए था मतलब. लेकिन उन्होंने ये नोटिस किया कि वो 5 घंटे से लगातार ट्रैवल कर रहे हैं और ये बात उनको बहुत वियर्ड लगी कि 2 घंटे का रास्ता 5 घंटे में क्यों हो रहा है ऐसे मतलब. फिर ये ना यहाँ पे इनके साथ कुछ छलावा हो रहा था, ठीक है. तो एक और चीज़ थी, जहाँ वो चल रहा था वहाँ पे सिर्फ वो पेड़ ही नज़र आ रहा था, मतलब यू नो लाइक जब भी वो चल रहे थे वो पेड़ वहाँ से हिल नहीं रहा था. तो ये बात थोड़ी क्रीपी थी. और वो एक ही चीज़ मतलब एक ही जगह पे बार बार चले जा रहे थे. फिर एक बार जब वो उस पेड़ के पास वापस आए तो दे सो अ कार, और उस कार में ऐसा लग रहा था कि लोग हैं, मतलब लाइट्स ऑन ऑल चल रही थी. तो एक पल के लिए तो इन लोगों को डर लगा उस पेड़ के पास से जाने के लिए, ऑब्वियसली इतना बड़ा हादसा हुआ था. बट स्टिल इन्होंने सोचा कि अगर बार बार एक ही रास्ते पे घूम रहे हैं और ये रास्ता इतना क्रीपी है, अगर कुछ इंसान कुछ लोग दिख रहे हैं तो दे शुड गो. वो वहाँ गए और उन्होंने देखा कि स्टेयरिंग पे सर रख कर एक आदमी बैठा हुआ है. भाई साहब जद्दा जाने का रास्ता बताएंगे? कोई जवाब नहीं. भाई साहब उठो ना यार, रास्ता बताओ. नहीं मालूम. एंड हिज फेस, उसकी आंखें नहीं थी मतलब दोनों जगह मतलब गड्ढे थे. इससे क्रीपी क्या हो सकता है गाइस, अगर आप किसी इंसान को बीच रास्ते में रास्ता पूछो और वो आपकी तरफ देखे और उसकी आंखें ना हो एंड ही स्माइल्ड. डिप्रेशन में था उसको, एंड दैट स्माइल वाज Damn weird. उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, भाग पड़े. उनकी गाड़ी नहीं है और उस सिचुएशन में वो लोग वहां रुक नहीं सकते थे. उन्होंने डिसाइड किया कि अब भाई पैदल भागो, बस यहाँ से निकलो, इस पेड़ के पास से भाग जाओ. वो भागते जा रहे थे लेकिन ऐसा लग रहा था ना कि या तो वो भाग नहीं रहे या तो वो पेड़ उनके साथ भाग रहे, क्योंकि वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे. मतलब जो पाथ था ना, रोड तो चल रहा था, मतलब जैसे कि अगर आप दौड़ोगे बेसिक रोड कैसे चलेगा, सुनो ना, अगर आप दौड़ोगे तो आपको समझ में दिखाई देगा कि जमीन चल रहा है आपके साथ, लेकिन आप दौड़ोगे और आपकी फुटस्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको इससे समझ में आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि आप दौड़ रहे हो. लेकिन वो जो जगह था ना, पर्टिकुलर एरिया वेयर द पेड़ वाज, आई मीन द ट्री वाज, वो हिल ही नहीं रहा था, वो वहीं पे टिका हुआ था. पेड़ और ट्री एक ही होता है. इंग्लिश बोल रही थी मैं. कुछ देर बाद उन्होंने नोटिस किया कि उन्हीं की कार सामने से आ रही है, एंड द वियर्ड थिंग वाज ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं था. भाई वो टार्जन थी क्या? भाई 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 क्या हुआ, भाई भाई क्या हुआ, कौन है अब गाड़ी में कोई नहीं था. वो लोग पागल लोग ना बैठ गए, वो देखे भी नहीं और चलाने लगे. वो लोग जा रहे थे एंड सडनली क्या हुआ कि जो विंडो थी उस पर एक हाथ ऐसे करके, ऐसे नहीं गाइस, ऐसे करके आया, ऐसे स्लिप हो गया. बहुत ही वियर्ड था एंड बहुत ही डरावना. आप इमेजिन करो, वो लोग लाइक वो लोग के फटके 64 हो चुकी थी, ठीक है. अब वो फिर होने लगा नॉक 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 नॉक, पीछे से आवाज़ आ रही थी, एकदम साइलेंस, के पीछे हर जगह देखना शुरू किया. सडनली वो देख रहा है, मींस जब वो पीछे घूमे तो देख रहे हैं वो मतलब लाइक क्रीपीएस्ट नहीं, मतलब वो एक औरत थी, दे नोटिस एंड शी वाज लाइक एंड हर स्माइल वाज गाइस द क्रीपीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड लाइक दिस. मतलब इमेजिन करो यार, तुम उस सिचुएशन पे हो, बंदा मर जाए, ये लोग इतना देर तक गाड़ी चलाए तो, एंड दैट की वो लोग
डरे तो वो बहुत थे, बट फिर भी बोले चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, चले जा रहे थे, मतलब इतने नीडर लोग थे, बेवकूफ भी बोल सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम चलेंगे, वहीं रह जाओ, जो होना है हो जाए। सोच के गाइस इमेजिन करो ना कितना डर लग रहा है, आप बंद करो तो क्या होगा, बहुत कुछ होगा। तो क्या हुआ था ना, मतलब सब लोग को ये देखने के बाद ड्राइवर को कुछ डाउट हुआ और वो परेशान हो गया, उसने भी पीछे देखने, मतलब गाड़ी चल रही है और ये बेवकूफ नीडर इंसान ने पीछे घूम के देख लिया, उन्हें वो चुड़ैल पसंद आ गई थी गाइस, इसलिए वो उसे देखे जा रहे थे, उनको होश नहीं था। तो क्या हुआ, वैसे क्या हुआ, तो वो औरत ना, जैसे कि आपको अभी माहौल इसने बताया कि क्या हो रहा था उस गाड़ी में, अभी उस औरत क्या कर रही थी, और वो पीछे देखे उसको, इतनी उसके बाल ऐसे थे यू नो लाइक ऐसे, थोड़ा खींचो बाद मेरा ऐसे तश्मे खींच रोच रही है, ऐसे उसके बाल थे एंड लिटरली मतलब गाड़ी चल रही है और ड्राइवर पीछे थे कि ध्यान नहीं आगे, तो उन लोग के गाड़ी ना एक पहाड़ मतलब एक क्लिफ में लड़ गई। लड़ने के बाद भी उनकी गाड़ी सही सलामत थी, मतलब उन्होंने सोचा नहीं कि इतनी जोर से टकराने के बाद ये सही सलामत कैसी है, उन्होंने सलाम फिर भगाई, पेट्रोल क्यों नहीं खत्म हो रहा था, ये सब छोड़ो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने फिर गाड़ी भगाई भगाई और देखा कि सामने कोई लेटा है एक लाश, उन्होंने जैसे ही उस गाड़ी को रुका, किसी ने खड़े होकर, और भाई मेरी आवाज़ शेक कर रही है ये बोलते हुए, उसने गाड़ी पलट दी एंड एवरीथिंग वॉज ओवर देयर। जब सुबह हुआ तो उन्होंने देखा कि बहुत लोग उन्हें हेल्प कर रहे हैं एंड आसपास बहुत लोग थे, और वो देखे कि लाइक मतलब बहुत रोड बहुत अच्छा है, चोटें लगी उनको, उन्हें चोट तो लगी हुई है ऑब्वियसली यार, वहाँ माउंटेन्स नहीं थे, वहाँ माउंटेन्स नहीं थे, डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड सिटी था एंड हॉस्पिटल दिस दैट एंड ऑल, तो लोग उन्हें हॉस्पिटल में लेके गए, देन उनको पता चला कि हाँ वो जितना में पहुंच गए, उन्हें कुछ आइडिया नहीं था कि रात में क्या इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ हाँ, क्या तो मतलब हुआ मक्का है? से वो तो जद्दा के लिए निकले थे और वो जद्दा थे भी गए, तो ये रात में उनके साथ क्या हुआ था, ये हेलुसिनेशन थे कि कोई वहम, तो कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ के लोगों से पता करने के बाद ये पता चला कि रास्ते में कोई वीराना नहीं आता, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ स्ट्रीट लाइट्स ना हो, और ऐसा कोई पेड़ नहीं है जो पहाड़ों में अकेला, तो कुछ वक्त के लिए ना इस टाइम मतलब वो लोग कोई और ही दुनिया में थे, कोई और ही यूनिवर्स में, कोई और ही जगह पर थे, और गाइस ये हेलुसिनेशन हो कैसे सकती है सबको एक साथ एक बार में, वही तो, एंड भाई भी तो बेहोश हो गया था। तो फिर यही पे लाइक यू नो ये रात में क्या क्या हुआ, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, और आसपास के लोगों ने ये भी बताया, मतलब जो रात में लोग लेट ड्राइविंग कर रहे थे उन्होंने ये भी बताया था कि उन्होंने यही गाड़ी देखी थी जो पलटी हुई, यही गाड़ी थी, और वो मतलब आराम से चल रही थी, तो यू नो यही इन्हीं का मतलब जो मेंबर्स थे इसी गाड़ी में उन्हीं के साथ ये हादसा हुआ, बाकी लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था, क्योंकि मतलब वो पेड़ दिखा था वहाँ पे, लोगों ने जाके देखा तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इस रात में क्या क्या हुआ, वो लोग कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे, इतना जल्दी सब कुछ हुआ ना कि कुछ भी प्रोसेस, मतलब वो समझ भी में उनको कुछ सही से कुछ याद भी नहीं था कि क्या हो रहा था। फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो खत्म होता है, अगर आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, भूल गए बोलना, कोई बात नहीं कर दीजिएगा, और साथ में जो बेल था ना, वो बेल है ना साइड में, उसको भी, मोर थिंग उसको भी दबा देना ताकि हमारे नए वीडियो का वो मोर थिंग कोई नहीं सुनेगा। तो वन मोर थिंग, अगर आपको ये सीरीज लाइक पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि क्या हम लोग इसका पार्ट टू लाए, और वो भी इस वीडियो की एंड डेस्टिनेशन तो की जद्दा में गाइस, पार्ट टू आएगा जरूर, बाय बाय।